Yo guys, we are going on a vacation to Bangalore. सुबह के कितना टाइम हुआ है उर्मिला? साढ़े सात बजे हैं. ये चुप रहे, प्लीज बड़बड़ कर रहे हैं. ब्लॉग का ब्लॉग समझ नहीं रहे. ब्लॉग आपको कहाँ देखा है? देखो कहीं पे देखा है इसने. पागल खाना है मालूम है अपने इधर. उधर होता है. तेरा क्या साइंस का पेपर है आज? पूछो सवाल. टीचर का नाम क्या है? हाँ टीचर का नाम क्या है? शाउट आउट टू मंगला मैम. तो मंगला मैम को शाउट आउट देने के बाद हम निकल पड़े हमारे सफर पे टू बैंगलोर. आप सोच रहे होंगे मैं बैंगलोर क्यों जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू बैंगलोर फॉर द S23 सैमसंग गैलेक्सी S23 के लॉन्च इवेंट के लिए. तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं तुम लोग से ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट बोल क्यों नहीं रहा. क्योंकि मेरे को टैक्सी में व्लॉग करने को जमता नहीं है, मेरे को ऑकवर्ड होता है बहुत. जो अंकल गाड़ी चला रहे हैं ना, वो मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं. ना उर्मिला बराबर ना, टैक्सी में होता नहीं है ना व्लॉगिंग. तो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है मतलब, तू एक्साइटेड नहीं है कि इवेंट के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, उधर जाके डोसा भी खाने वाले हैं. तेरे को बस खाने का ही सोचता हर बार. उर्मिला ये अंकल ऐसे क्यों चला रहे हैं गाड़ी? मुझे नहीं लगता हम लोग बैंगलोर तक पहुँचने वाले हैं. हाँ तो गाड़ी से कहाँ बैंगलोर जाने वाले? अरे पर जाने से पहले ही ठोक दिया तो. नहीं रे, तेरे से गाड़ी नहीं चलाते वो लोग. चुप. मलाइका जी आइए एक साथ में. मलाइका जी रुकिए ना. मलाइका जी सर, सॉरी सर, मास्क निकाल के एक देना सर, बैग गिर गई आपकी. फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा गर्दी थी इसलिए उर्मिला लाइन में ही सो गई. उर्मिला यहाँ पे दो प्रकार के वेस्ट है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट. तेरे को किधर डालने का? ओ हाँ, मैंने एयरपोर्ट पे ये भी देखा, स्मार्ट खाकरा. क्या आपने कभी सुना है स्मार्ट खाकरा? स्मार्ट खाकरा ऐसा खाकरा होता है जिस खाकरे से आपका दिमाग बढ़ता है, बिग ब्रेन. लेकिन ये खाने के बाद मेरा तो बिग ब्रेन हो गया, लेकिन उर्मिला को ब्रेन नहीं दिया तो उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा. इसके बाद मैं प्लेन में बैठा, बैंगलोर पहुंचा, बैंगलोर में होटल में पहुंचा और उसके बाद डायरेक्ट खाना खाने पहुंचा. एक क्या दे रही है, दो तीन दे मेरे को, पागल है क्या? एक चीज पॉपर खाऊंगा तो पतला हो जाऊंगा मैं. अरे आपके लिए स्पेशल कैडबरी. मेरे को कैडबरी गिफ्ट कर रहा है वो भी. अरे खाया हुआ कैडबरी दे इसने मेरी तरफ से. तेरे को कभी किसी ने बोला है कि तू अक्षय कुमार जैसे दिखता है? क्या बात कर रहे हो? नहीं दिखता इसलिए कभी किसी ने बोला नहीं. अरे मेरे को लोगों ने वो बोला था, मैं तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा दिखता. सिद्धार्थ मल्होत्रा भाई बोला है यार. सिद्धार्थ मल्होत्रा कमाल था. प्रणव पेट निकल रहा है. एब्स बोलते हैं, एब्स बोलते हैं इनको. वो कवर करने के लिए, कवर करने के, प्रोटेक्ट करने के लिए एब्स. सैमसंग वालों ने ना मस्त डिनर रखा था रात को, मस्त उधर गाने का शो भी चालू था. फिर हाँ, इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स, ये देखो टॉप भुक्कड़ बन के 5 प्लेट का खाना एक प्लेट में ले रहे थे. पूरा पूरा प्लेट भर के, जैसे कि किसी के शादी में आया है. खाना वाना पेट पूजा होने के बाद हम सब लोग बस पे बैठे. मेरे को ना स्कूल की ट्रिप की याद आ गई. बस में हमने सोचा कि अंताक्षरी खेलते हैं. 1 2 3 गो. जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. अंताक्षरी खेलते खेलते हम लोग पहुंच गए सैमसंग के एपिक इवेंट पे. बहुत मस्त जगह थी, पूरा ऐसा ग्रीन ग्रीन जगह थी. सो मैं यहाँ पे पहुंचा और कुछ ही वक्त में फोन लॉन्च होने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में अलग ही टेंशन चालू था. भाई प्लीट, ये वो टेक्निकल गुरुजी तो नहीं आया ना इधर? वो मेरा अनबॉक्सिंग करने वाले थे. आए हूँ. नहीं आए? चल. नहीं आए थे? नहीं है. अरे मैंने देखा उनको. नहीं है रे, टेक्निकल गुरुजी तो नहीं आया ना, वो मेरा अनबॉक्सिंग करने वाले थे. आए हैं शायद. कुछ भी भाई आज खुल जाओगे. टेक्निकल गुरुजी नहीं आया ना इधर? आए. मेरे को ही नहीं दिख रहे, पीछे से आके अनबॉक्सिंग कर देंगे मेरा. यहीं पे आसपास मुझे वाइब्स आ रही है. नहीं है ब्रो, नहीं है ब्रो, मेरे को तो नहीं दिख रहे. दिखाओ. मत दिखा. कुछ भी करके मुझे टेक्निकल गुरुजी से बचना था, क्योंकि 2 साल पहले मैंने गैलेक्सी Z Fold 2 पे वीडियो बनाया था, याद है तुम लोग को? आई नो गुरुजी ने वो वीडियो पक्का देखा है, और अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे ढूंढ लिया तो मेरा मिमिक्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. लेकिन इसके बाद फाइनली लॉन्च हो गया द एपिक सैमसंग गैलेक्सी S23. बहुत ज्यादा क्रेजी फोन है, लाइक इसमें गेमिंग करने को बहुत मजा आने वाला है, और इसका कैमरा ओहो. तो गाइस फाइनली हम लोग रिव्यू करने वाले हैं S23 अल्ट्रा का. बड़ा कौन है तुझसे? नहीं बड़ा. नंबर्स किसके ज्यादा? कितने सब्सक्राइबर है तेरे? मेरे 13 मिलियन सब्सक्राइबर है. तो इसका मतलब ये है कि तू पहले कर, उसके बाद मैं करता हूँ. मैं लाइन में खड़ा हो गया. ठीक है, इस सैमसंग के इवेंट में गए और पुपट हो गया. लाइन में खड़े मैं पकड़ूंगा तुझे. सब्सक्राइब टू MythPat, MythPat. हाँ. Yes, करो. Yes. Subscribe करो. सब्सक्राइब करो. तो मैं उठा लूँ क्या गाइस सैमसंग के इवेंट में?
उठा लो तेरे को, बहुत अच्छा फोन है मेरे हाथ के लिए। फोन बहुत अच्छा है क्योंकि देखो गाइस मेरे हाथ का साइज बहुत बड़ा है, मैं सब फोन मेरे हाथ में छोटे छोटे दिखते हैं, तो उसके लिए मेरे हाथ के लिए बहुत अच्छा साइज का फोन है ये। देखो इसका जूम कैमरा देखने का कितना है, दिखा तो मैं। उधर खड़ा रहे, एकदम उधर जा जल्दी, अभी वहां पे एथलीट इतना दूर है। एंड अभी मैं जूम करूंगा, जूम करूंगा, जूम करूंगा, जूम करूंगा, जूम करूंगा। ई कर ई, कल फ्लीट ने पालक की भाजी खाई थी। तूने कल पालक खाया ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? इसमें 200 मेगापिक्सल में तेरा पालक दिख गया। कैची है तेरे पास? हा? कैची काट के लेके जाने का घर पे? मेरे पास सब जुगाड़ है क्या? काटते ना, चलना लेके जाने। किसी को समझेगा नहीं ना? हाँ, निकल निकल निकल, जल्दी निकल। नहीं निकल रहे तो स्टेज पे जाने का और फोटो खींचने का है, पर मैं अकेला नहीं जा सकता, तो मेरे साथ कौन आएगा? कौन आ रहा है? तू। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को इसका कैमरा बहुत ज्यादा पसंद आया। इसका जूम कैमरा टेस्ट करने के लिए मैंने सोचा कि हम लोग स्टेज पे जाते हैं, क्योंकि जोकर बनना मुझे बहुत पसंद है। चल चल, बहुत ऑकवर्ड हो रहे हैं, ऑकवर्ड हो रहे, सब लोग देख रहे हैं, ऑकवर्ड हो रहे हैं। क्योंकि आपने क्या करो थे? So guys, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है guys। यहाँ पे हम पुट्स में आ रही बाहर है, नया फोन लॉन्च हो गया। What is up guys? मेरा नाम है श्लोक। तेरा नाम क्या? मैं टेक बर्नर। इस बार अच्छा है, मतलब अगर मैं क्विक रिव्यू दूंगा तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत क्विक क्विक टेस्ट करा। 8K में स्टेबलाइजेशन है और लाइक क्वालिटी वाली बहुत अच्छी लगी मेरे को, लाइट वाइट में भी और लाइट भी नहीं तो भी अच्छी आ रही। इन देन तबाहीदार फोन है ना दोस्तों भाई, अच्छा लग रहा है। अभी हो गया रिव्यू तो टेबल तोड़ दे। डन, टेबल तोड़ी जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस फॉर मैरिज। यार सॉरी, आया नहीं शादी को, आया नहीं, बट ठीक है कोई बात नहीं। इसका एक्चुअली बुरा लग रहा है, शादी को नहीं आया तो चल जाता है यार। मैं तेरे को बोल रहा हूं ना, मैं इसको क्या बोला, अगली बार आजा शादी को। मैंने उसको बोला कि तेरे लिए हम लोग दोनों और एक बार शादी करते हैं, जस्ट फॉर हिम। नहीं, हम दोनों कर रहे हैं और एक बार। तू बोली एक और बार शादी कर। मुझे क्या मालूम था तेरे साथ करने का वापस। मेरे को इसके बीच में नहीं आने का। कि अगली बार तू बाल कटाने जाएगा ना, उसको बोल थोड़ा सा ज्यादा काटने को, कम काटा है थोड़ा। यार ये दिस इज द स्टाइल भाई। हां, ऐसे में रगड़ दूंगा, खून निकल। क्यों हिला डाला ना? आपके सामने 5-6 पेंटिंग्स है क्या? आप बता सकते हो कमेंट्स में कि इनमें से टीवी कौन सा है? जो भी बताएगा उसको मेरी तरफ से एक S23 अल्ट्रा नहीं मिलने वाला। स्काउट, तू क्या इधर पीटी टीचर बन गया है? भाई मैं क्या बताऊं? चलो यार, मेरे को ना व्लॉग के लिए कंटेंट चाहिए। मैं चुपचाप बोल रहा हूँ, नाटकी नहीं चाहिए ज्यादा, नाच के दिखा। नाच मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, आजा छोरे नाच 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 नाच। एक दिन ऋतिक रोशन ट्रेन से जा रहा था, तो ट्रेन में बहुत सारी गर्दी थी। ट्रेन से ऋतिक रोशन जा रहा था, तो ट्रेन में बहुत गर्दी थी। तो गर्दी में उसको जगह नहीं मिल रही थी, तो वो इधर उधर के लोगों को दूर करने के लिए मैं खुशी खुशी से नाच रहा था। और नाचने के बाद मुझे क्या दिखा, मुझे कौन दिखा? टेक्निकल गुरुजी। नहीं, चुप बैठ, हाथ नीचे रख, हाथ नीचे रख, चुप बैठ। मैं फुल स्पीड से वहां से भागने लगा, मेरे को इतना डर कभी लगा नहीं था। मैं जाके साइड में छुप गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो अपने नसीब में लिखा है वो तो होगा ही। गुरुजी ने मुझे फाइनली पकड़ लिया और फिर ये हुआ। अब ले लो। एक बार तो बनता है यार वो दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास है Samsung S23। अभी देखो निकल नहीं रहा, मैं प्रॉपरली करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास है S23 अल्ट्रा, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने वाले इसके अनबॉक्सिंग, और इसके बाद हम लोग मिथपैड की भी अनबॉक्सिंग करने वाले। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अभी अभी मेरा चश्मा टूट गया और मैं चश्मे का दूसरा पार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी। अइला, तू आधा रख ले, मैं आधा रखता हूँ। तू जितना कमाएगा उसका आधा मेरा, तो आप जितना कमाओगे उसका भी आधा मेरा। पावर लेवल 10,000 कमाएगा करे कावे आवे चगास मजनू भाई। गाइस, यहाँ पे मैं अमंगस खेल रहा हूँ विद द प्रोवेस्ट ऑफ द प्रोवेस्ट हैकर अवार्ड। मेरे को मेरा एक सपना है कि एक दिन तेरे को कंपटीशन में हराऊंगा। मैं हराएगा भाई, तू सेकंड आएगा, मैं फर्स्ट आएगा, और उस दिन मैं हंसेगा। जॉनी, मेरे फैंस आ गए, देख बोलो किसके फैंस हो? जॉनी भाई, जॉनी आर गॉड।
मिथ पैट बोल रहे हैं, कुछ आवाज आ ही नहीं रहा, मिथ पैट बोल रहे हैं। थैंक यू गाइज, आई लव यू ऑल सो मच। सब फैंस आ गए, मैंने इतनी आग लगा दी यहाँ पे कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा है। इट्स ओके गाइज, मैं बाद में मिलता हूँ तुम लोग से, टेंशन नहीं है। गाइज मेरे सबसे बड़े फैन ने देखो मेरे लिए क्या बनाया है। अरे सॉरी, मैं इसमें लिखना भूल गया। थैंक यू सो मच भाई, आप मतलब मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था। मिथ MYTHP मिथ पेट यार क्या चालू है, ये पेट देखो ना यार। डांस, वाह वाह वाह, ओ हो 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 हो, ओ स्मार्टी को सबसे क्यूट यूट्यूबर का अवार्ड मिलना चाहिए ना। कल से स्मार्टी ने बस दो तीन शब्द बोले, गैलेक्सी S23 उतना ही बोला है, कुछ नहीं, सैमसंग गैलेक्सी S23 और कुछ नहीं बोला इसने कल से। इतना शांत बच्चा है। तेरी उम्र क्या है? क्या ये 26 है? सबको दाढ़ी आई है, तुझे भी नहीं आती? अरे यार प्लीज तू इधर आया मेरे साथ। और हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ बैंगलोर का डोसा, मुझे खाना था इसलिए मैं गया कहीं पे तो डोसा खाने। मैंने वहाँ पे बेन्ने डोसा खाया, बेन्ने डोसा मतलब बटर डोसा। लेकिन डोसा खाने के बाद मैंने साइड में क्या देखा, मैसूर पाक। जो लोग जिम करते हैं उनको पूरा खाने का है। ओ भाई एक सेकंड, मैं तो करता भी नहीं। आकर आ पूरा बड़ा बड़ा ला, आ पूरा अंदर आ। जॉनी यस पप्पा, तू जिम करता है ना, बहुत जिम करता है ना, पूरा आकर। अगर तू खिलाएगा तो खाऊंगा मैं, पूरा आकर ना पड़ेगा, एक ही इसमें खाना, पूरा नहीं भाई, पूरा खाने का है। तो ब्लॉग की यहीं पे समाप्ति होती है, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कुछ मत करो।